okay very <clears throat> good afternoon to everyone uh, today i am taking a lecture on minimization of flow table okay so in our earlier class we already seen how to make a state table how to make a state graph if we have some digital logic circuit so we can easily uh, create a state table with the help of output uh, next state equation of the flip flop and if we have some state table, so we can use the transition table of the flip flop. And with the help of this transition table, we can make a digital circuit. Okay. So, from top down and bottom up approach, we can understand through this uh, uh, <coughs> earlier topic uh, for a state gra graph realization. Okay. And now we have a topic of minimization of flow table.

सपोज हम डी बी एंड सी स्टेट पर हैं और वहाँ पर एक्स जब जीरो है तो अगेन हम सी पे मूव कर रहे हैं और जब डी आया जब वन आएगा तो हम इस्टेट डी पे मूव करेंगे ठीक है इसका मतलब क्या है सी और डी दो स्टेट ऐसी हैं जो बी और सी का नेक्स्ट स्टेट है वहन एक्स इज़ जीरो एंड एक्स इज़ वन और इन दोनों ही केस में आउटपुट भी अपने सेम है मतलब या तो जीरो आउटपुट है या वन है जो भी होगा बट एट अ पर्टिकुलर कंडीशन एक्स इज जीरो और वन वी गेट द सेम सेम नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है हम ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं दो इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिसका कि आउटपुट सेम हो तो हम उस दो इंस्ट्रक्शन को बार बार लिखने की जगह क्या करेंगे एक ही इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे क्योंकि दोनों स्टेट सेम है

और आउटपुट भी सेम हो फॉर द सेम इनपुट सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस स्टेट एंड वी कैन रिप्लेस और रिड्यूस रिड्यूज स्टेट फ्रॉम द टेबल एंड इन फाइव स्टेट वी हैव टू इक्ट स्टेट्स सो वी कैन टेबल फ्रॉम फाइव टू फोर हम एक स्टेट को हटा सकते हैं वी कैन रिमूव वन रिडेंडेंट स्टेट और एडिशनल स्टेट ठीक है सो दिस इज द अब हम क्या करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेट वी कैन रिमूव इक्विवेलेंट रिडक्शन ऑफ द स्टेट वी कैन रिमूव इक्विवेलेंट स्टेट्स अब हम कैसे है ना इस इक्विवेलेंट स्टेट को चेक करेंगे इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं अब आप इस स्टेट टेबल में देखो यहाँ पे अपन ने प्रेजेंट स्टेट लिया हुआ है a b c d e नेक्स्ट स्टेट लिया हुआ है जिसमें कि x 0 एंड x 1 इनपुट कंडीशंस हैं जो और a b c d e का ये प्रेजेंट स्टेट है और ये वाला टेबल आपको शो कर रहा है नेक्स्ट स्टेट x 1 पे हमें ये आउटपुट मिल रहा है ठीक है ना तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ए जब जीरो है तो हम ए पे ही रहेंगे और एक्स जब वन है तो ए से हम किस पे जाएंगे बी पर ठीक है सो दीज आर द स्टेट्स अब अपन देखते हैं कौन सी स्टेट इक्विवेलेंट स्टेट है तो यहां पे हम डायरेक्टली अपन शो देखते हैं स्टेट सी पर आइए आप जब एक्स इनपुट आपका जीरो है तो उस केस में अपन क्या कर रहे हैं जब स्टेट अपना जीरो है सॉरी एक्सटर्नल इनपुट अपना जीरो है तो हम स्टेट सी से ए पर मूव हो रहे हैं विथ आउटपुट जीरो ए कॉमा जीरो का मतलब क्या है नेक्स्ट स्टेट ए है एंड आउटपुट अपना जीरो है और जब अपन एक्स इक्वल टू वन पर है तो हम डी पर मूव हुए नेक्स्ट स्टेट इज डी एंड आउटपुट इज वन ठीक है अब अपन यहाँ पे डी के बाद ई e पे आते हैं और ई e पे भी देखते हैं कि जब एक्स जीरो है तो अपना नेक्स्ट स्टेट ए है एंड आउटपुट जीरो है एंड डी uh, है नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट वन है तो इन दोनों कंडीशन में एक स्टेट एक आपका सी जो है और डी जो है ये दोनों ही स्टेट इन दोनों ही स्टेट में हमने ये देखा कि ये दोनों जो स्टेट हैं इक्विवेलेंट स्टेट है क्योंकि इनका नेक्स्ट स्टेट सी का और ई e का कॉमन है और इनका आउटपुट भी कॉमन है देखो दोनों में जीरो जीरो है और दोनों में वन वन है ठीक है ना तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन दोनों ही स्टेट में आपको ए ऑब्लिक जीरो मिल रहा है और यहाँ पे ए डी ऑब्लिक वन मिल रहा है ठीक है ना तो ये वाली जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेट्स होंगी और इन दोनों इक्विवेलेंट स्टेट्स को हम किसी भी एक स्टेट से मर्ज कर सकते हैं तो वी कैन राइट आफ्टर दिस फ्लो टेबल वी कैन राइट सी इक्वल टू ई ठीक है ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं C इक्वल टू ई ठीक है ये C इक्वल टू ई क्यों लिखा अपन ने क्योंकि अपन को मिल गया कि जो E स्टेट है वही C स्टेट है दोनों इक्विवेलेंट स्टेट ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अपना नेक्स्ट स्टेट है जो अपना नेक्स्ट स्टेट है ए बी सी डी तो यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई को अपन ने यहाँ से रिमूव कर दिया यहाँ पे आप देखो ई e नहीं दिखेगा आपको और हमने इस स्टेट को एज इट इज ड्रॉ कर लिया बस अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ आएंगे जब आप स्टेट डी लिखोगे तो डी पे आप डी कॉमा जीरो लिखोगे नेक्स्ट स्टेट में व्हेन एक्स इज वन तो आपका जो डी का नेक्स्ट स्टेट है वो हो जाएगा ई कॉमा वन अब यहाँ पे ई e तो हम हटा चुके हैं ऑलरेडी ई देयर इज नो ई स्टेट तो अब E किसके है अपने C के इक्ट है तो जहां जहां E लिखा होगा वहां वहां अपन उसको C से रिप्लेस कर देंगे तो अब आप इस वाली स्टेट में देखो जो D का हमने नेक्स्ट स्टेट लिखा है वहां पे D कॉमा जीरो एंड C कॉमा वन यहाँ पे E आना था लेकिन E की जगह अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे E की जगह हमने क्या लिख दिया डी ठीक है ना वेयर तो हमने सी यूज किया क्योंकि सी अपने स्टेट टेबल में है तो इस तरह से हमने जो चार तीन पांच स्टेट लग रही थी उसकी जगह अपन ने चार स्टेट में इस स्टेट टेबल को इम्प्लीमेंट कर लिया ठीक है ना तो इसी को हम बोलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट टेबल किसी को इसमें डाउट है तो, बेटा सभी को क्लियर है किसी को कोई डाउट तो नहीं है ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट चले अपन आगे चलिए तो आप अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं यहाँ पे अपन लिखा है मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन अब एग्जाम में जो आपने अभी मिनिमाइजेशन किया है इसको तीन तरीके से पूछते हैं ये तीन टेबल तीन टाइप हैं इसके और इन तीनों में से कोई भी एक आपको आ जाता है कि शॉर्ट नोट बताइए या आप इस पर एक कोई भी एक नाम के साथ आपसे पूछ सकते हैं ठीक है ना तो यू कैन लर्न ऑल द थ्री फॉर मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन तो फर्स्ट मेथड इज पार्टीशनिंग मेथड और इक्विवेलेंस क्लास मेथड एंड मूरे रिडक्शन मेथड ये तीनों एक ही इसके नाम है सेकेंड है आपका मर्जर टेबल और इम्प्लीकेशन टेबल मैथड एंड थर्ड है है मर्जर ग्राफ मेथड ठीक ऑलमोस्ट ऑल आर सिमिलर तो एक अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो बाकी भी आप इजीली समझ लेंगे तो आज की क्लास में हम अपना एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे पार्टीशन मेथड जिसको की बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास मेथड और मूरे रिडक्शन मेथड ठीक है तो अपन ये सेकंड वाला जो पॉइंट है पार्टीशन मेथड यहां से शुरू करते हैं इसके लिए अपन ने एक रैंडम एग्जांपल लिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच ये स्टेट्स हैं अपनी एट डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट स्टेट हैं नेक्स्ट स्टेट हैं इसकी एक्स जीरो पे एंड एक्स वन पे ठीक है अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है पार्टीशन मेथड की अब जैसा कि अपन को इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जो पार्टीशन मेथड है वो पार्टीशन करेगा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का ठीक है जिसको इक्विवेलेंस क्लास मेथड भी बोलेंगे और इक्विवेलेंस क्लास मेथड भी बोलेंगे एंड <coughs> मूरे रिडक्शन मेथड भी बोलेंगे चलिए तो अब अपन देखते हैं कि रिडक्शन होना है सॉरी uh, मनीमाइजेशन होना है पार्टीशन के थ्रू तो कैसे होगा तो यहाँ पे जो थम रूल है सबसे पहले अपना वो ये है कि हम सबसे पहले उन क्लास, क्लास वाइज इसको डिवाइड करेंगे जिसके कि आउटपुट कॉमन है तो ऑर्डमेन आउट अपन अलग कर लेंगे और जो कॉमन है वो उसको एक जगह रखेंगे ठीक है तो चेक द आउटपुट कंडीशन एंड मेक इक्विवेलेंट क्लासेस ठीक है अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं इस नेक्स्ट स्टेट में कि जो अपना इनपुट है एक्स जीरो एंड एक्स वन वहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे सारे जीरो हैं केवल F जो स्टेट है इसका नेक्स्ट स्टेट G1 दे रहा है एंड A ज़ीरो दे रहा है ठीक है तो ये वन जीरो का कॉम्बिनेशन हो गया है यहाँ पे वन मिल रहा है एक इनपुट पे हमें आउटपुट वन मिल रहा है और यहाँ पे आउटपुट जीरो मिल रहा है ठीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सारों में जो आउटपुट है वो जीरो है लेकिन केवल यहाँ पे जो आउटपुट है वो वन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपना मेथड है यहाँ पे केवल एफ जो है वो ऑर्डमेन आउट वाली कंडीशन में है ठीक है ना तो केवल एफ को हम अलग कर देंगे और बाकी के जो क्लासेस हैं उनको एक साथ लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लिखा है इक्विवेलेंट क्लास सबसे पहले क्लास वन ली और क्लास टू ली तो जो क्लास वन है उसमें ए से लेकर ए बी सी डी ई जी एच और जो एफ है उसको हमने क्लास नंबर टू में ले लिया ये क्लियर हुआ सबको कि हमने आउटपुट चेक किया अगर किसी का भी आउटपुट डिफरेंट है तो वो सबको हम अलग क्लास में कर लेंगे और जिसका आउटपुट सेम है उसको अपन एक साथ लिख लेंगे ठीक है बच्चों अब अपन अपन नेक्स्ट पे चलते हैं चलिए अब हमें यही काम इटरेटिव मेथड, इटरेटिव वे में बार बार करना होगा बार बार कैसे करना होगा कि जो आपका ये जो इक्विवेलेंट क्लास मेथड है इसमें सबसे पहले आपने क्लास डिफाइन कर ली अब उन क्लासेस के आगे आप क्या लिखोगे वन सफिक्स लगाओगे और जो क्लास टू है उसके आगे टू सफिक्स लगाओगे ठीक है और उस टेबल को री करोगे तो यहाँ पे आप देखो अपन ने वो आउटपुट में जो जीरो थे कॉमा करके वो सब हटा दिए हैं और हमने डायरेक्ट क्या कर लिया a1 b1 c1 d1 e1 f जो है आपका वो टू क्लास में था तो f2 लिखा g1 एंड h1 क्लियर है ये सब और इसका जो नेक्स्ट स्टेट थे वो एज इट इज लिखना है कोई चेंजेस नहीं आएंगे बस उसके आगे सफिक्स जैसे यहाँ b लिखा है तो b आप चेक कर लो b कौन सी क्लास में है b फर्स्ट क्लास में था तो हमने b1 लिख दिया एंड सो ऑन तो इस तरह से आप b1 d1 g1 उसी क्लास का सफिक्स लगाओगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे एक क्लास वन है और एक क्लास टू है और टू क्लास किस में है एफ में एफ जो है वो क्लास टू में है और रेस्ट जो सारे एलिमेंट है वो वन में है और इन सब का यूज करके आप दोबारा से एक टेबल रिराइट करते हो और अब आपका काम क्या है आप फिर से चेक करोगे कि सारे जो एलिमेंट हैं वो सेम क्लास के एक ही साथ हैं या ऐसा तो नहीं किसी एलिमेंट का आउटपुट चेंज हो रहा हो तो आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे ये F2 लिखा अपन ने F के चक्कर में तो जो D है ये D अलग क्लास में आ जाता है क्योंकि बाकी सबका जो आउटपुट है वो वन वन है लेकिन D में F2 मिल रहा है अपन को मतलब इसका एक आउटपुट ऐसा भी है जो सेकेंड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ना तो ऐसा अब अपन क्या करेंगे वापस से उस क्लास को जो अपन ने पहले डिजाइन किए थे ऐसी क्लासेस को फिर से लिखेंगे और उसमें से डी को अपन हटा देंगे एफ तो ऑलरेडी अलग था तो अपन फिर से लिखेंगे ए बी अब आप यहाँ देखो हम फिर से लिखेंगे यहाँ देखो ए बी सी डी डी हट जाएगा ए बी सी ई जी एच अब यहां पे डी आ गया क्लास नंबर थ्री में और एफ ऑलरेडी आपने क्लास टू में ले लिया था ठीक है तो ये ए बी सी एच ई जी एच एफ एंड डी अब अपने पास पहले दो क्लास थी अब अपने पास क्लास थ्री हो गई अब जहां जहां डी होगा वहां पे आप सफिक्स क्या यूज करेंगे बाकी आप F2 रहेगा और ए बी सी एच में वन रहेगा, ना तो अब अपन वापस से चलते हैं ये अपन ने तीन क्लासेस बनाई थी इससे अगेन अपन ने इस पार्टीशन टेबल को रिड्रॉ किया और यहां पे जहां जहां डी था वहां आप देखो कि जहां जहां डी था वहां पे अपन ने D3 कर दिया है और एक यहाँ पे कर दिया है यहाँ पे कर दिया है ये सब जगह D3 हो गए ठीक है ना जहां जहां अपन ने B को थर्ड क्लास में लिया था उसको क्लास थ्री से रिप्रेजेंट किया अब अपन वापस से चेक करेंगे कि क्या कोई मैन आउट है तो अपन फिर से चेक करके क्या देखेंगे यहाँ पे अपन को फिर समझ में आया कि जो बी है इसका आउटपुट डी थ्री एंड ई वन है जो कि अलग क्लास में है और जो जी वन है इसका आउटपुट भी डी थ्री और सी वन में है यह आउटपुट भी किसी डिफरेंट क्लास को शो कर रहा है ठीक है ना तो आप यहाँ पे देखो नीचे जो अपना ए बी सी ए बी तो बी हट गया सी है डी हट गया ई e है जी एच तो G भी हट गया H है तो A C E H यहाँ से आप देखो A B C E G H था तो B और G जो है ये दोनों हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों अलग-अलग क्लास को शो कर रहे हैं तो ये B और G को हमने अलग क्लास में लिख दिया D ऑलरेडी अलग था F ऑलरेडी अलग था A B E H now अपने पास कितनी क्लास हो गई क्लास one two three एंड four हमारे पास हो गई चार क्लासेस ठीक है ना तो अब इस तरह से अपन इन चार क्लासेस को लिख लेंगे और अब जो बी और जी वाला है वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बी फोर एंड जी फोर बाकी के क्लासेस तो सेम है तो अब अपन इसको अगेन री करेंगे और यहाँ पे क्या लिखा अपन ने बी फोर एंड जी फोर और ये इस तरह से क्लासेस फिर से रीड्रॉ करके फिर से अपन देखेंगे कि क्या कोई ऑर्डम आउट वाली चीज़ तो नहीं आ रही है अगर आ रही है तो वैसा करेंगे तो अपन को ये देखना है ए सीई एच ए सीई एच जो कॉमन थे वही अलग होंगे उसी में से बाकी तो ऑलरेडी अलग हैं तो ए सी और ई e एच में देख लो एच जो है यहाँ पे एच वन और ए वन को शो कर रहा है और ए सी और ई e, ये तीनों जी फोर जी फोर बी फोर सी वन ई वन ए वन तो ये सारे वन क्लास के मेंबर्स हैं एक्स जीरो पे फोर्थ क्लास के मेंबर हैं तो ए सी और ई e तो सेम रहेगा लेकिन जो एच है यहाँ पे ये एच की कंडीशन जो है ये है क्लास वन की तो ये एच जो है वो अलग हो जाएगा तो अब अपने पास जो क्लासेस बनी वो कितनी बन गई हैं हमारे पास अब क्लासेस कितनी हैं पांच ए E फर्स्ट एफ सेकंड क्लास डी थर्ड क्लास B एंड G फोर्थ क्लास में आ गए और यहाँ से H जो बाहर आया था उसको हमने फिफ्थ क्लास में ले लिया तो अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो पांच क्लास तक आ गया ये आपको जब तक करना है जब तक आपको यूनिक कॉम्बिनेशन नहीं मिल जाता एक जैसे इनपुट एक जैसे ग्रुप में नहीं आ जाते तो आप अपन H की जगह H5 फाइव यूज करेंगे और बाकी की जगह जो सफिक्स हैं एज इट इज़ वो लगा के रखेंगे अपन तो यहाँ पे आप देखो वापस से हमने वो कर दिया और जहां जहां H था वहाँ पे अपन ने क्या किया है जहाँ जहाँ एच था वहाँ पे अपन ने किया है एच फाइव तो जहाँ जहाँ एच था ये एच फाइव हो गया बाकी ये एच फाइव हो गया ठीक है बाकी कोई कुछ नहीं है तो आप इन दोनों को यूज़ करके अब आप बनाओगे इक्विलेंट क्लास तो यहाँ पे क्या आ गया ए सी एंड ई ए सी एंड ई जी फो फोर एन वन क्लास का है तो ये सब इक्विलेंट स्टेट हैं बी एंड जी स्टेट है ए बी सी डी ई एफ जी तो डी और एफ दो अलग क्लासेज हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे अपन फिर से लिखेंगे क्लास वन में हमने ए सीई e को डिफाइन किया और इसके लिए आप अपन को रीड्रॉ करना है टेबल तो हम एक स्मॉल लेटर या एस वन एस टू कर सकते हैं आप अपने अल्फाबेट नाम का यूज कर लो या आप स्मॉल लेटर यूज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो तो ए सीई e को स्मॉल से शो कर दिया क्लास टू एफ है जिसको हमने डी से शो कर दिया क्लास थ्री डी है जिसे हमने सी से यूज करा क्लास फोर बी जी को हमने स्मॉल बी से यूज करा एंड क्लास फाइव एच को ई से यूज करा ठीक है अब यहाँ पे हमने देखे ए बी सी की जगह क्या लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए बी सी डी ई वहां पे आठ स्टेट थी लेकिन पार्टीशन मेथड ने क्या करा पांच स्टेट में कन्वर्ट कर दिया इस पूरे डायग्राम को ठीक है अब इस पांच मेथड को आप देखो एक्स जीरो और वन पे जो इनपुट आ रहे हैं आउटपुट आ रहे हैं वो सब कैसे आ रहे हैं तो जो भी जिस क्लास का मेंबर है उस क्लास को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलिमेंट उसके लिए रखेंगे जैसे कि ए में बी जीरो और ए जीरो लिया क्यों लिया ये अपन चेक कर लेते हैं ए का मतलब है बी फोर एंड सी वन तो ए में हमने बी जी किसमें क्लास फोर का मेंबर है तो स्मॉल बी से शो कर रहे हैं ए तो का नेक्स्ट स्टेट है बी तो इसको स्मॉल बी से शो कर रहे हैं हम यहां से देखा और अपन अब वहां पे जो जीरो दिया था तो एज इट इज वो जीरो हो जाएगा ठीक है तो जैसी टेबल अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में बनी थी वही की वही सेम टेबल पार्टीशनिंग मेथड को अप्लाई करने के बाद बनेगी जिसमें कि आपको जो स्टेट चार थी वो थ्री हो फोर हो गई फाइव तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास मेथड इसमें किसी को कोई डाउट है so, इसमें हाँ, जो हम मतलब ऑड वन आउट करते हैं या जो प्रीवियस स्टेट थी उससे चेंज हो गया तो वो आउट करते हैं हाँ बेटा तो ऑड वन आउट ही करेंगे ना प्रीवियस स्टेट में जैसे मेरा कोई क्लास चेंज हो रहा है तो मैंने उसको सफिक्स लगा दिया फोर थ्री से फोर हो गया तो अब चार क्लास बन गई तो अब वो जो फोर्थ क्लास का जो भी एलिमेंट है वो जहाँ जहाँ यूज हो रहा होगा उसके आगे सफिक्स अपन लगा देंगे फोर अब अपन क्या देखेंगे फिर से देखेंगे आउटपुट में अब आपको आउटपुट में क्लास वाइज चेक करना है समझ गए जैसे कि एक फिजिक्स की क्लास चल रही है और एक मैथमेटिक्स की तो हमने क्लास वन ली फिजिक्स क्लास टू ली मैथमेटिक्स तो आप जो बच्चे फिजिक्स के हैं उसको सफिक्स वन लगाएंगे या फिजिक्स लगाएंगे जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उसमें मैथमेटिक्स लगाएंगे और अब आप चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं जो पहले जो बच्चा फिजिक्स वाला फिजिक्स में आ रहा था अब वो मैथ्स में तो नहीं आने लगा तो नेक्स्ट स्टेट वो वाला एलिमेंट किस क्लास में है ये चेक करते हैं तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन जो कि सेम क्लास के हैं उनको हम एक क्लास में रखेंगे और जो दूसरे फैमिली का या दूसरी क्लास का मेंबर आ गया है उसके आउटपुट में उसको हम अलग कर लेंगे अल्टीमेटली अपन को करना क्या है क्लासेस को पार्टीशन करना, करना है तो इस तरह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में शो करते हैं यहाँ पे एक अपन ने एग्जाम्पल लिया हुआ है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का तो इस एग्जाम्पल को आप लोग अभी, अभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको ट्राई करना जैसा कि मैं इसको अभी आपको शेयर कर दूंगा सारे पेजेस को अपने ग्रुप पे तो यहाँ से आप उन क्लासेस को एक बार रीड करो और ये वाली जो क्लास का एग्जाम्पल अपन ने दिया है इस क्लास के एग्जाम्पल से आप हेल्प करो हेल्प लो और इसको बनाओ और इसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे लिख दिया है ए एफ बी सी डी जी ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी ये सेवन क्लास थी जिसको अपन ने पांच क्लास में कन्वर्ट किया ठीक है तो आप पुराने वाले एग्जाम्पल को यूज करो और ये पार्टीशन मेथड उसमें अप्लाई करना और उस पार्टीशन मेथड से आपको समझ में आएगा कि कैसे ये बनेगा और इसका सॉल्यूशन आप, आप लिखा हुआ है तो इसको बच्चों ट्राई करो कल हम इस पर बात करेंगे और पार्टीशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे ठीक है किसी को कोई डाउट है अभी सर नोट्स क्या बोल रहे हो बच्चों सर नोट्स एंड कर दीजिए मैं उसको सेंड करूंगा अभी आपके आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप पे मैं आपको डाल दूंगा ठीक है सर जैसे अभी एक जो अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया उसमें हमने ए C और उसको साथ में लिया था H को अलग कर दिया जबकि H में वन ही था पहले से हाँ तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम जैसे H को सेम रहने देते और A और उसकी क्लास चेंज कर देते एक की और उसके साथ जो भी और नहीं वो तो आपके ऊपर है कि आप अगर उसको किसी डिफरेंट क्लास में ले जा रहे हो तो आप फिर उसका नाम वही रखो जो आपने उसके क्लास का नाम रखा है और अगर वो किसी डिफरेंट क्लास में शो हो...